तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम। ये मैच दोस्तों खेला गया था मैग्नस कार्सन और हिगाओ नाकामुरा के बीच में। ये मैच दोस्तों खेला गया था मैग्नस इनविटेशनल में। ये मैच दोस्तों गेम वन है। तो चलिए आपके मेरे से मिलते हुए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा का पूरा देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड करना कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाइट पीएस के साथ खेल रहे हैं मैग्नस कार्सन और उनके ओपोनेंट है हिकाओ नाकामुरा, जो कि ब्लैक पीएस के साथ खेल रहे हैं। तो मैग्नस कार्सन ने ओपन किया विद द मूव d4, उसके बाद नाइट टू f6, उसके बाद दिया गया था c4, उसके बाद e6, नाइट टू f3, d5, उसके बाद दिया गया था नाइट टू c3, उसके बाद b7 बिशप, उसके बाद दिया गया था नाइट टू bishop to f4, उसके बाद ब्लैक ने कैसल कर लिया, उसके बाद दिया गया था e3, उसके बाद नाइट bd7, उसके बाद c5, उसके बाद c6। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड वेरिएशन के क्लासिकल वेरिएशन में। उसके बाद दोस्तों खेला गया था h4, उसके बाद b6, उसके बाद b4, उसके बाद a5, उसके बाद a3, h6, उसके बाद बिशप टू d3, उसके बाद बिशप टू b7, उसके बाद वाइट ने भी कैंसिल कर लिया, उसके बाद क्वीन टू c8, उसके बाद रुक टू e1, उसके बाद बिशप टू a6, उसके बाद बिशप टू c2, उसके बाद रुक टू e8, उसके बाद रुक टू c1, उसके बाद a कैप्चर ऑन b4, उसके बाद a कैप्चर ऑन b4, उसके बाद b कैप्चर ऑन c5, उसके बाद बी कैप्चर ऑन c5, उसके बाद दिया गया था बिशप टू d8, उसके बाद रुक a1, उसके बाद बिशप टू c7, उसके बाद क्वीन टू d2, उसके बाद e5, उसके बाद डी कैप्चर ऑन e5, उसके बाद नाइट कैप्चर ऑन e5, नाइट कैप्चर ऑन e5, उसके बाद बिशप कैप्चर ऑन e5, उसके बाद बिशप कैप्चर ऑन e5, रुक कैप्चर ऑन e5, उसके बाद क्वीन टू d4, उसके बाद रुक टू e8, क्योंकि दोस्तों रुक के ऊपर अटैक था। उसके बाद दिया गया था e5, उसके बाद पॉन कैप्चर ऑन e5, नाइट कैप्चर ऑन e5, नाइट कैप्चर ऑन e5 और रुक कैप्चर ऑन e5, उसके बाद रुक d8, उसके बाद क्वीन टू c3। और दोस्तों क्वीन टू c3 मूव के बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि बिशप टू b5 दिया होता तो क्या होता, तो सपोज बिशप टू b5, तो सिंपली रुक कैप्चर ऑन a8, उसके बाद क्वीन कैप्चर ऑन a8, उसके बाद रुक टू g4, उसके बाद सिंपली g5, उसके बाद क्वीन टू f6 के बाद दोस्तों ये पोजीशन एकदम बेकार हो जाता ब्लैक के लिए। ये दोस्तों एकदम अनप्लेबल पोजीशन हो जाता ब्लैक के लिए। तो इसी वजह से दोस्तों ये मैच में ये गेम नहीं खेला गया था। तो चलिए हमारे गेम देखते हैं कि क्या खेला गया था। तो हमारे गेम में दोस्तों इस पोजीशन पे ब्लैक ने दिए थे रुक टू b5, उसके बाद दिया गया था रुक टू e a4, उसके बाद बिशप टू b7, उसके बाद रुक कैप्चर ऑन a8, उसके बाद बिशप कैप्चर ऑन a8, उसके बाद सिंपली क्वीन टू a5, उसके बाद बिशप टू b7, उसके बाद क्वीन टू b6। अब दोस्तों ये b7 का जो बिशप है ये दोस्तों एक पॉन की तरह हो चुका है, अभी दोस्तों ये कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो उसके बाद दिया गया था g6, उसके बाद बिशप टू e4, उसके बाद रुक टू d7, उसके बाद बिशप टू f3, उसके बाद h5, उसके बाद रुक टू e1, उसके बाद क्वीन टू d8, उसके बाद क्वीन कैप्चर ऑन d8, रुक कैप्चर ऑन d8 और रुक टू e7, उसके बाद बिशप टू a6, उसके बाद बिशप कैप्चर ऑन c6। और दोस्तों मैग्नस कार्सन ने फाइनली दोस्तों इस b6 के पॉन को दोस्तों विन किया। उसके बाद रुक टू c8। दोस्तों अब हिकाओ नाकामुरा का सिंपली आइडिया है कि अगर ये बिशप हटेगा तो ये c5 का पॉन को वो ले लेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। इस पोजीशन पे दोस्तों मैग्नस कार्सन ने दिए थे रुक टू e8 चेक, उसके बाद रुक कैप्चर ऑन e8, बिशप कैप्चर ऑन e8, उसके बाद किंग टू f8, उसके बाद बिशप टू c6, उसके बाद h4, उसके बाद f4, उसके बाद दिया गया था किंग टू e7, उसके बाद किंग टू f2, उसके बाद f6,
उसके बाद किंग टू ई थ्री, उसके बाद किंग टू ई सिक्स, उसके बाद बिशप टू ई फोर, उसके बाद दिया गया था जी फाइव, उसके बाद किंग टू डी फोर, उसके बाद जी कैप्चर ऑन ए फोर, उसके बाद बिशप टू डी फाइव चेक, उसके बाद दिया गया था किंग टू ई सेवन, उसके बाद किंग टू ई फोर, उसके बाद बिशप टू सी एट, उसके बाद किंग कैप्चर ऑन ए फोर, उसके बाद दिया गया था बिशप टू डी सेवन, उसके बाद जी थ्री। और दोस्तों ये जी थ्री मूव के बाद अगर आप सोच रहे हो कि बिशप कैप्चर ऑन एच थ्री अगर आता है तो क्या होगा, सपोज बिशप कैप्चर ऑन एच थ्री तो सिंपली जी कैप्चर ऑन एच फोर। और दोस्तों ये पासर्स दोस्तों विनिंग पोजिशन में आ जाएंगे, तो ये तो अनप्लेएबल था। तो चलिए देखते हैं कि हमारे गेम में क्या खेला गया था। तो इस पोजीशन पे दोस्तों हिकारु नाकामुरा ने ना कैप्चर करते हुए दिए थे पॉन कैप्चर ऑन जी थ्री, उसके बाद किंग कैप्चर ऑन जी थ्री, उसके बाद दिया गया था किंग टू ए एट, उसके बाद एच फोर, उसके बाद किंग टू जी सेवन, उसके बाद किंग टू ए फोर, उसके बाद किंग टू एच सिक्स, उसके बाद बिशप टू एफ थ्री, उसके बाद किंग टू जी सेवन, उसके बाद किंग टू ई फोर, उसके बाद बिशप टू सी थ्री चेक, उसके बाद किंग टू ई थ्री, उसके बाद बिशप टू बी फाइव, उसके बाद किंग टू डी फोर, उसके बाद दिया गया था किंग टू एफ सेवन, उसके बाद किंग टू डी सेवन, उसके बाद किंग टू ई सेवन, उसके बाद बिशप टू जी फोर, उसके बाद बिशप टू डी थ्री, उसके बाद सी थ्री, उसके बाद एफ फाइव, उसके बाद बिशप टू एफ थ्री, उसके बाद बिशप टू बी फाइव, उसके बाद सी सेवन, उसके बाद किंग टू डी सेवन, उसके बाद किंग टू ई फाइव, उसके बाद एफ फोर, उसके बाद एच फाइव, उसके बाद बिशप टू सी फोर, उसके बाद एच सिक्स, और उसके बाद बिशप टू जी एट, उसके बाद बिशप टू डी फाइव। और दोस्तों इस पोजीशन पे आप इस बिशप को नहीं कैप्चर कर सकते हो, सपोज आप खेलते हो बिशप कैप्चर ऑन डी फाइव तो सिंपली किंग कैप्चर्स और ये एच पॉन दोस्तों क्वीन प्रमोट हो जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों दिया गया था बिशप टू एच सेवन, उसके बाद बिशप टू ई फोर, उसके बाद बिशप टू जी एट, उसके बाद किंग कैप्चर ऑन ए फोर। और दोस्तों किंग कैप्चर ऑन ए फोर मूव के बाद हिकारु नाकामुरा ने रिजाइन दे दिए और एक कमाल का दोस्तों विक्ट्री रहा मैग्नस कार्लसन के लिए। इस पोजीशन पे दोस्तों क्यों रिजाइन दिए थे हिकारु नाकामुरा ने, क्योंकि दोस्तों इस पोजीशन पे और कुछ भी नहीं है, अब जो भी खेलोगे ये दोस्तों वाइट के लिए विनिंग है। सपोज आप खेलते हो किंग कैप्चर ऑन सी सेवन तो सिंपली किंग टू ई फाइव, उसके बाद अगर किंग टू डी सेवन तो सिंपली किंग टू एफ सिक्स, उसके बाद अगर किंग टू ई एट तो सिंपली किंग टू जी सेवन। और दोस्तों ये पोजीशन कम्प्लीटली विनिंग होगा। अगर आप इस बिशप को अगर हटाते हो तो सिंपली पॉन पुश क्वीन, और अगर आप इस बिशप को नहीं हटाते हो तो आप वाइट इस बिशप को मार देगा। तो यही था आज के गेम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, और आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।